बस चेक कर रहे हो अपना लाइनअप। राम पील दिखा दो, ये देखो एयरपोर्ट का भाई ऐसा, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। बाहर निकाल दादी को, चेक करो भाई। भाई ये रहा। तो भाई साहब अब जाके हम हाईवे पे आए हैं। कैसा है तू यार? बोला जय श्री महाकाल। यहाँ का व्यू चेक करो यार। तो गाइस ये रहा अपना जहाज, अभी थोड़ी सी मिट्टी लगी है, वॉश वगैरह मैंने पूरी करवा रखी है और पीछे न्यू बीस्ट है। तो भाई सुबह इसी से अपने रामपिल भाई को लेने जाएंगे, बढ़िया भाई को बढ़िया सा फील करवाएंगे, जो फील मैं करना चाहता था वो मैं भाई को फील करवाऊंगा। चल तो सोने चलते हैं, चलो सोने चलते हैं। तो गाइस अभी आए हम पेट्रोल पम्प, मॉर्निंग की सुबह यहीं से ही हो रही है डायरेक्ट हमारी, और फ्यूल अप हो रहा है। रामपिल वैन को लेने जा रहे हैं, वन ऑफ बेस्ट माफिया कार भाई रेंज रोवर, और अभी वो आएगा जब ही खोलेंगे इसको, अभी पूरी फील तभी लेंगे। हाँ भाई मेरी हालत ऐसी हो रही है, मैं रात को 2 बजे सोया और इतनी जल्दी उठ गया हूँ, इतनी जल्दी मैं उठता नहीं हूँ वैसे तो यार, लेकिन भाई आ रहा तो उठना पड़ेगा। तो चलो यार तैयारी करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, फ्यूल अप कर लेते हैं। तो भाई निकल तो गए हम, और लेकिन हम थोड़ा बारिश में हो गए हैं, गाड़ी भाई पूरी मैं साफ़ सुथरी करके लाया था, बढ़िया वॉशिंग करा के सारा बारिश के अंदर कवर हो गया। बाकी कोई बात नहीं यार, मंजिल तक तो पहुंचेंगे, भाई को लेके आएंगे। बाकी भाई चल रहे हैं, कैसी फील आ रही है भाई रेंज में बताओ, कमेंट करके बताओ भाई किस किस को राइड करनी है, इस पर सबको राइड करवाएंगे भाई, एक प्यारी प्यारी राइड देंगे सबको। और यार जैसा मैंने तुम्हें बताया था अपने टेनआर में हमने कुछ चेंजेस करवाए हैं ब्रेम्बो का, मैंने उसमें मास्टर सिलेंडर लगवाया है भाई, जब से मास्टर सिलेंडर डाला है ना पूरी बातचीत आ गई है बाइक में, पूरी मस्त ब्रेक लग रही है एकदम मस्त बिंदास वाली। और अभी यार कुछ ना इशू आ गया बाइक पे, नज़र लग गई थी थोड़ा सा, अपने ब्रदर है आलम भैया उनके वहाँ पे खड़ी है बाइक, उनके भाई के गैराज है ऑटोमोटो कस्टम, सभी वहाँ पे लेके चलेंगे आपको। सबसे पहले भाई साहब भाई को लेके आते हैं, उसके बाद घर चलेंगे, घर चलने के बाद नाश्ता करके फिर यहाँ से सीधा निकलेंगे। एकदम ब्लर हो गया भाई आगे। तो भाई मैंने अपने विंडो थोड़े थोड़े खोल लिए हैं, क्योंकि मौसम जितना सेक्सी है ना उस हिसाब से नेचुरल हवा खाने में अलग मज़ा आएगा। एसी मैंने बंद कर दिया। क्या कह रहे हो एवरेज निकाल रहा है? अरे नहीं भाई, इसमें भी एवरेज देखी तो फिर क्या ही देखा, बाइक्स के अंदर बाइक्स की रानी ले रखी है तो फिर कार्स में भी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, माफिया कार है भाई पता ही आपको, ऊपर से ब्लैक कलर तो रंग डा देता है भाई, क्या डा देता है पूरा। और आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, अभी मैं आगे रोकूंगा बाहर, अगर बारिश नहीं हुई होगी और थोड़ा सा वैसा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसका जो फ्रंट ग्लास है ना भाई वो नेचुरली पर्पल टिंटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ, डार्क पर्पल टिंटेड है, बहुत ही सेक्सी लगता है यार। भाई उज्जैन वाला ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ यार, कैसा लगा भाई, मोटिवेशन देते रहा करो ताकि और मजा आए करने में। अभी मेरा फेवरेट अंडर पास आने वाला है, मैं आपको वो अंडर पास दिखाऊंगा, अलग ही बातचीत आएगी, लेकिन आपको लगेगा नहीं आप इंडिया में हो, ये नहीं है अभी आगे आएगा। तो भाई ये वेटिंग कक्ष है भाई हमारा, और भाई सारा यार बारिश हो रही है, बुरा हाल हो रहा है, चलो इसी बहाने अच्छी बात है, थोड़ा मेरे को ट्रैफिक कम मिल गया यहाँ पे आने के लिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया, और वो भी लैंड हो चुका है ऑलमोस्ट, अब मैं वेट कर रहे हैं, जैसे ही उसका नेट ऑन होगा डाटा ऑन होगा यहाँ से हम चल पड़ेंगे भाई एयरपोर्ट का। भाई ऐसा मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है, और आप लोग यार स्टोरी देखते हो नॉर्मल हो गया भाई, लेकिन हाँ फीलिंग आज भी फर्स्ट टाइम वाली आती है एयरपोर्ट पर, और एयरप्लेन में जब वो टेक ऑफ करता ना व्हीली करता है भाई, एक नंबर फीलिंग आती है यार, बाकी ऐसा नहीं लग रहा इंडिया से बाहर है। ये देखो यार, और इसको कॉल करते हैं, बार मैं कॉल करके कोशिश करता हूँ कि शायद आगे होगा। गाइस ये फीलिंग चेक करो यार, कितनी प्यारी फीलिंग है, ऐसा रोमांटिक सेक्सी मौसम, नीचे आपके पास पावर और खाली रोड, भाई बहुत प्यारी फीलिंग है यार, बहुत प्यारी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए ये फीलिंग लेने के लिए, लेकिन यार मौसम भी ना कमबख्त है, हर टाइम ऐसा नहीं होता, इतना प्यारा इतना अच्छा नहीं होता है। मुझे पता है कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन मैंने आपके लिए चला दिया यार। चेक करो फीलिंग, लो भाई फीलिंग, लो तुम्हारे लिए मून रूफ भी खोल देता हूँ। I'm gonna go to the hospital.
ये रहा भाई वो अंडरपास। तो यहाँ वेट करते हैं भाई। गाइस चेक कर रहे हो अपना लाइनअप, पीछे बैंड, पीछे BMW और अगर अपनी रेंज रोवर। तो गाइस एयरपोर्ट में एंट्री हो गई है अपनी प्रॉपर वाली, ये देखो यार फाइटर प्लेन, और अपना भाई वेट कर रहा है। बारिश का तो भाई घमासान एक नंबर हो रहा है, उसका भी फोन आ गया, मैं फोन उठाता हूँ उसका सबसे पहले। हेलो, 10 नंबर ब्रोको का है। मैं 10 नंबर के बाहर ही आ रहा हूँ, T3 है ना। T3 ओ भाई साहब, T3 पे ठीक है मेरे भाई, 10 नंबर लाइन पे रहेगा। भाई लाइन पे तो वैसे भी आना पड़ेगा भाई, तू इंडिया आ गया अब तो हमारी लाइन में चलेगा भाई। बारिश तो एकदम से आ गई, कोई मूड ही नहीं था बारिश का। तो भाई अंदर आ गए हैं और 10 नंबर गेट पे आगे 1 है, तभी फीलिंग आएगी एकदम ओके रिपोर्ट वाली। यहीं कहीं है अपना रामपिल भाई, उसका ना नेट ऑफ हो गया तो मैंने सोचा मैं ही लेके आता हूँ, देखता हूँ कहाँ है रामपिल भाई। ये रहा नेक्स्ट डे। तो गाइस अभी हमने फ्यूल अप करवा लिया, अपना टैंक फुल हो गया, चेक कर रहे हैं ऊपर तक झलक रहा है, तो इसको क्लोज करते हैं। देख करो भाई कितने प्यार से लिखा है हमने बाइक पे जय श्री महाकाल। अभी पीछे वाली बाइक का फ्यूल अप होएगा, मीटर चेक करो भाई, ये जो फीलिंग है ना अरे तभी भी कम आ रहा पेट्रोल, चल चल के हो जाएगा। तो अपना फ्यूल अप हो गया है, रामपी नहीं रहेगी, अभी भी कम दिखा रहा है, ऊपर तक है। हाँ हो सकता है। तो भाई ये रहा हमारा नितिन, मैं तो बताना ही भूल गया, क्या है रामपिल मैन, हाउ आर यू भाई, इंडिया है, कैसा लग रहा फील तो बता। गर्मी लग रही है, अभी वादियों में ले जाऊंगा तेरे को, फिर टेंशन मत, सॉरी भाई क्या बोल दिया भाई, वादियों में ले जाऊंगा, उक्का चेक कराऊंगा। और ये मेरे प्यारे विक्रम भैया, विक्रम भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, अभी शक्ल नहीं दिखाएंगे, अभी डाकू बने हुए मेरे भाई। ये अपने लोटस, सॉरी कमल भाई, कैसे हो कमल भाई? बढ़िया भाई, भाई का हेलमेट बड़ा सेक्सी लग रहा है, चेक करो, ये देख रहे हो बातचीत, पूरी बातचीत है भाई। और भाई दिखा दो, दिखा दो, ये देखो भाई कैसी लग रही है भाई, हमने बहुत ही प्यार से प्यार करी है। कभी इसमें जो फीलिंग आएगी ना जेट वाली आएगी, ये देखो जैसे प्लेन स्टार्ट होता है ना ऐसे लाइट ब्लिंक करी, और इसके DRLs पर्पल करे हुए हमने, और 05 हमारा लकी नंबर है, चलो ये बताने नहीं था बता दिया। और हमने यहाँ पे भाई अपने 360 की स्टिक लगा रही है, एक चीज़ और अभी पीछे दिखाऊंगा आपको, मैंने इस वक्त क्या लगा रखा है भी दिखाऊंगा। और बैकलाइट चेक करो भाई, बैकलाइट देख रहे हो फुल कस्टम है, लोग देख रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं तगड़े। चलो यार चलते हैं, फ्यूल अप हो गया, चलो भाई बैग चेंज करना है, बैग चेंज करना है, बैग एक्सचेंज करें, टंकी में डाल दो। हाँ कर देते हैं, प्यार देख रहे हो बच्चों का। तो गाइस पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं उत्तराखंड के लिए अलग रूट से जा रहा हूँ, ये जो रूट है भाई ये भी बहुत ही सेक्सी रूट है, और अभी एक हाईवे आएगा, इतना प्यारा हाईवे है भाई, मतलब मेरी जो इमेजिनेशन है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको लगेगा ही नहीं आप इंडिया में हो, इतना सेक्सी और इतना प्यारा हाईवे है। जैसा मेरठ एक्सप्रेस वे है, तो भाई जो भी लोग दिल्ली से NCR से है, हरियाणा से, गुड़गांव से, उन्हें तो पता ही है भाई, जो लोग बाहर से देख रहे हैं भाई उनके लिए ये न्यू चीज़ होगी भाई। मेरठ एक्सप्रेस वे भी एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे आपको बाहर वाली फीलिंग आती है, मतलब फॉरन वाली फीलिंग आती है, और ये भी एक ऐसा ही हाईवे है, बहुत ही सेक्सी बहुत ही प्यारा हाईवे है। शायद यहाँ से राइट पेड़ है, विक्रम भाई कहाँ से है? अरे वो कट नहीं है भाई, हाईवे पे गुप अंधेरा है, एक भी लाइट नहीं है, क्योंकि थोड़ा अंदर अंदर से यही हाईवे, मतलब ये भी एक मेन हाईवे है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है मेरे हिसाब से। क्योंकि यार आप सोच रहे होगे यार आज इस बाइक पे कैसे ब्लॉग आ रहा है भाई, इस पर क्यों नहीं आ सकता, ये भी बाइक है, ये भी फीलिंग है, ये भी इमोशन है। ज़रूरी नहीं है कि सुपर बाइक हो तभी कुछ बातचीत होती है, ये भी एक बाइक है, और बाइक है के लिए बाइक ही इमोशन है, चाहे बाइक कोई भी हो यार। बाकी यार लास्ट व्लॉग्स में जो भी आपने प्यार दिया बहुत अच्छा था, सारे मेरे को कह रहे कि फुल वीडियो पे थोड़ा सा कम फोकस हो रहा है भाई,
और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा अपना काम धंधा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी एक गाड़ी भी ऐड होने वाली है, फोर व्हीलर, जिसको हम अच्छा तैयार करेंगे, बढ़िया बना के रखेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, आप देखना इस वीडियो को एंड तक देखना यार, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलो यार, जैसे हाईवे कनेक्ट होता है फिर मिलते हैं आपसे। लगा रखी है भाई ने, देखो इनका नाम है लोटस जी, लोटस जी ने लोकेशन लगा रखी है भाई। भाई फिलहाल तो यही है ढाबा, लेकिन आते टाइम उस रूट से देख लेंगे, उधर मज़ा वगैरह बढ़िया मिलता है। अभी तू बता, तुम बोलो भाई। हाँ जी विक्रम सर, हाउ आर यू? तो भाई यहाँ पे लगाइए अपने रानी आना है मेरा बाबू शोना गले मेरा भाई सुनो अंदर लगाई है छोटा सा मुई चिकट हवा, यहाँ लगाइए, अभी खाएंगे पियेंगे, बढ़िया भूख लग रही है यार। तुम भी कहोगे हर लोग में बोलता है भूख लग रही है, लेकिन एक्चुअल में यार भूख लग रही है भाई। ये मेरा दूसरा टोल है, और जो मेरा हाईवे था भाई की वजह से रह गया, या तो अब आएगा जो भी है। थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, क्योंकि मेरे को आपको वही हाईवे दिखाना था यार, सॉरी माइंड मत करना यार, मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया राइट के बीच में। ठीक है यार, चलते हैं जो भी है। मैंने बोला था राइट लेने के लिए, वो कट राइट में था, बहुत प्यारा हाईवे था यार, मैं आपको एक्चुअल में फील करवाना चाहता था। अगर भाई भी ये ब्लॉग देखे तो सॉरी भाई मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं अपने ऑडियंस को, अपने यूट्यूब फैमिली को सबको दिखाना चाहता था वो हाईवे। अगर यहाँ से राइट मुड़ के वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं आपके लिए वहाँ जाके कुछ अच्छा अमेजिंग करूँगा, आपको फील करवाऊँगा यार, अच्छा फील करवाऊँगा। वो हाईवे की जगह पर मैं आपको कुछ और दिखाऊँगा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं यार। तो भाई अब जो अपना टैंक है वो दूसरी बार फुल हो रहा है, एक तो शायद हम गलत रास्ते से आ गए, ये भी एक रीज़न है कि फ्यूल ज़्यादा लग गया। अभी देखो यार कितना लगता है, एक कोई लास्ट का पॉइंट था लेकिन मैंने कहा डलवा लेना सही है, ये वीरान रास्ता छत में बंदा ना बंदी की जात। तो भाई साहब अब जाके हम हाईवे पे आए हैं दिल्ली हरिद्वार वाले, गलती से भाई वहाँ पहुँच गए, इतना लंबा इस हाईवे से जाते ना अब तो हम हरिद्वार पार कर चुके होते यार। भाई धुंध चेक कर रहे, ये देखो धुंध एकदम से आई। तो चलो जी आगे गंगा के नमस्कार करते हैं, आगे चलो। तेरे चाचा का ऑडिटोरियम आ गया, तेरे चाचा का पतंजलि, ओ नहीं पतंजलि। भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए हरिद्वार, बस थोड़ा सा रह गया है, कुछ 10-15 किलोमीटर की रेंज में रह गया, उसके बाद हमारा पायलट चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरी रुक गई है भाई सीट मॉडिफाई कराने के बाद भी यही हाल है भाई। वोक्सवैगन वाले चाचा कहाँ जाएगा, वो आगे डांस कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि लोग आगे शायद डांस वगैरह कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ गया भाई, पकड़। ओ मेरी जान, लाइव आ रखे पे, रोक लो यहीं पे। चलो विक्रम भाई का वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, हमने विली जंप करके मजा बांध दिया। बस ये है यार फीलिंग, हाईवे और आपका प्यार, और आप जा रहे हो यार एंजॉय करते हुए, अपनी राइड को फील करते हुए, अपनी बाइक को फील करते हुए। तो यहाँ पे भाई आपके पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भाई चेक करो कितना प्यारा हाईवे है यार, बहुत प्यारा, मज़ा ही आ गया यार, पूरी फील के साथ बाइक चल रही है, एक्चुअल फील जिसे बोलते हैं। चेक करो भाई, सुबह के बज रहे हैं 4:57 भाई, ऑलमोस्ट मतलब गुड मॉर्निंग तो ही गई है, आप सबको गुड मॉर्निंग। देख रहे हो कावड़ी है भाई, उस साइड सारे कावड़ी हैं, आगे भी बहुत सारे कावड़ी है, पीछे भाई पूरा टोल जाम था, मैं वो क्रॉस करके आया हूँ, कटिंग शटिंग, और अभी जैसा आपने देखा छोटी मोटी भी ली है, देखो इतने सारे कावड़ी है भाई, श्रद्धा देख रहे हो, ये श्रद्धा वाले हैं एक्चुअल में, और वो अलग ही दिखते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, बट यार भगवान के नाम को लेकर गलत यूज़ करते हैं लोग।
जो जैनून है यार, वही बात बोलूंगा बस। बोलो गंगे मैया की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी भाई शिव जी की मूर्ति आई है आपकी, सबकी फेवरेट है भाई, मेरी भी। वो दिखाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ आपको सुबह सुबह। तो भाई वहाँ पे हमारे मनसा देवी मैया का मंदिर, मैं वहाँ पे गया था, बहुत ही अच्छी जगह है। प्लीज़ आप हरिद्वार आओ तो डेफिनेटली दर्शन करना। दो मंदिर है हमारी माता रानी का, एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे उस पहाड़ी पे है, आप प्लीज़ ज़रूर दर्शन करना भाई। बोलो जय श्री महाकाल। भाई हमारे भोलेनाथ है, हमारे शंभू नाथ है, हर हर गंगे। चलो जी, दर्शन हो गए आपके अच्छे से, अभी आगे चलते हैं भाई। तो जो भी मेरे जाट भाई है, भाई समझ जाओ 16 दुनिया 8 जाट, जाट के ठाट, एक हुक्का एक खाट। भाई चेक कर रहे हो व्यू और इस प्यारी सी रोड का, क्या मज़ा आ रहा है यार चलाने में, नेक्स्ट लेवल भाई। ऑलमोस्ट पूरी मॉर्निंग हो गई है अपनी, तो यहाँ पे आ गया छोटा सा टनल भाई, यहीं पे अपनी टनल होती, क्या साउंड करती। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी अपने होटल से हम चेकआउट कर रहे हैं, मैंने कॉल स्टार्ट मारा है और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। भाई सुबह इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं आपको व्यू नहीं ले पाया और यहाँ पे पहुँचे वो दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था यार, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना वो वाला थक गया था भाई, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि बड़े टाइम बाद मैंने लॉन्ग राइड वाला ट्रैवल करा है, तो अभी चल रहे हैं अपनी लोकेशन पे, मैं आपको लेके चल रहा हूँ वो प्यारी वाली जगह पे। गाइस अपनी मंजिल की ओर निकल रहे हैं और रास्ता चेक करो, कितना ही हसीन रास्ता है भाई साहब, वादियों वाला। भाई दिल्ली में तितलियाँ तो सूखने को नहीं मिलती, यहाँ पे मेन रोड पे तितलियाँ दिख रही है उड़ती, ये देखो अपना गाड़ी लगा के बढ़िया। भाई सुबह मुझे मिल गए हिमांशु भाई कैसे मिले मैं बताता हूँ। भाई हमारा ना कल का प्लान था सुबह आने का, तो भाई 6 बजे आगे खड़े हो गए। अब भाई जो हमारा सेकंड राइडर है पीछे है, जो बाइक चला रहे हैं, और मौसम तो चेक करो भाई, क्या कह रहे हैं मौसम एक नंबर, 1 2 3 आए है ओए है, आए है ओए है। तो भाई कहाँ पे हम, तो भाई आ गए और हमारे जो विक्रम ब्रदर है वो आ नहीं पाए थे, सेकंड राइडर हमारे किसी कारण से लेट हो गए थे। भाई मानशु भाई गुस्सा हो गए, चले गए भाई घर, गए बाइक खड़ी करी, गाड़ी उठाई, भाई आ गए भाई बढ़िया। और हम चला रहे सुबह सुबह, जैसे हमने हरिद्वार क्रॉस किया भाई, पीछे कोई हॉर्न पे होन दे जा रहा। मैंने कहा कौन है भाई ये, मैंने कहा पहले इसी जगह तो या तो आ या तो पार। मैं साइड हुआ, कह रहा भाई गाड़ी साइड मिला, मैं कहा देखू भाई कौन है, देख रहे तो हिमांशु भाई थे। फिर भाई जो हमारे छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग थे उसको हमने क्लियर किया, पर अब अपन वादियों पे आ गए यार, ये देखो चेक कर भाई, प्यारा रास्ता है उधर, भाई सूखी हुई है नदी और बहुत प्यारा लग रहा है। मसूरी देहरादून सीधा, रिकॉर्ड हो रहा है। अरे ये नहीं देखना। ओ मेरी जान, यही तो व्यू है, निंजा होती है मजा आ जाता, लेकिन भाई ये भी समा बांध रही है। ओ मेरी जान, मजा ही लगा भाई, मजा ही लगा है यहाँ का। यहाँ पे चला लेना अगर आपने, आप कहीं भी चला सकते हो और सुकून है भाई यहाँ चलाना, सबसे बड़ा पीस है यहाँ राइड करना। उधर पीछे चेक कर रहे हो जन्नत का दरवाजा भाई, वो पहाड़ वो देखो, अभी तो और दिखेगा आपको, ये तो बस शुरुआत है। और भाई ये जो कॉम्बिनेशन है हल्की धूप के साथ बूंदाबांदी का, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ रहा है भाई, हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई, वो फुल खींच के चला रहे हैं बढ़िया भाई, इसीलिए इस जगह पे जाने के लिए, ये फील करने के लिए। ये जो कर्व्स है ना भाई, जितनी बार कर्व्स होती है उतनी बार तुम्हारी मेंटल पीस होती है भाई, तुम अच्छा फील करते हो उतनी बार। ये देखो लाइक मोटो जीपी का ट्रैक है भाई, ये देखो लीडर स्नेक, भाई पूरी फीलिंग है पूरी। 71 रेस लगा रहा मेरा भाई, चल भाई पीछे आ जा भाई, यहाँ पे डॉट पड़ रहे हैं मोटे, मैं रोक देता हूँ भाई। हैं कोई नहीं, होने दे, हाँ होने दे भाई, पीछे बैग गंदा हो रहा है थोड़ा सा, अगर मैं स्पीड में चलाऊंगा तो शायद कम होगा थोड़ा सा।
पीछे टायर से जितना छीटा आना था बैक पे वो आ चुका है और हौली हौली बारिश हो रही है, लोग उस चीज़ को फील करते हुए चल रहे हैं अभी भी। यहाँ पे देख रहे हो आवाज़ निकाल रहा है मुझे, बुम बुम, ये डाउन शिफ्ट की निकाल रहा है, पूरे फील लेते हुए जा रहा है ये के टी एम में। हाँ भाई के टी एम में टनार की फील ले रहा है। हाँ भाई के टी एम में टनार की फील ली जा रही है, देख के चलेंगे प्यार से अच्छे से आराम से। भाई नदी सूखी हुई है, देखो कैसा हो रहा था हाल, लेकिन उधर का जो व्यू मैं एक बार सर घुमाता हूँ, ये देखो वहाँ का व्यू भाई क्या ही है, मतलब नेक्स्ट लेवल। नितिन कह रहा फटाफट खींचो 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 यहाँ। यार सच में मैं टनार को यहाँ मिस कर रहा हूँ एक्चुअल में भाई, क्योंकि पिछले साल जब वो थी, मतलब है अभी भी अपने घर पे है यार, उसका अलग ही टेस्ट आ रहा था कुछ। उधर तो डाउन शिफ्ट बोल रहे थे ना भाई पहाड़ों में, वो कुछ और ही बोल रहे थे यार, वो नेक्स्ट लेवल बोल रहे थे। ओए हो फ्लाइट टेक ऑफ कर गया, यहीं टनार होती ना यहीं टेक ऑफ करा के दिखाता आपको। वैसे तो फीलिंग देखो यार कितनी अच्छी फीलिंग है, खाली रोड है, एकदम प्यारा मौसम है और पीछे दूर ऊंचे लंबे पहाड़, बहुत मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने में, बहुत मज़ा फील हो रहा है यहाँ पे कि हाँ यार एक्चुअल में मैं बाइक चला रहा हूँ। कैसा अच्छा है कह रहा भाई GoPro भाई, रास्ता नीचे उतर रहा है। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे हमें जाना है, गुच्चू पानी जगह का नाम है। ये हमें हमने अभी अपना सामान सबमिट करा है, वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करी है और टिकट काउंटर है भाई। यहाँ पे पहले पार्किंग का कोई भी कैसा भी सीन नहीं था, अभी पार्किंग का भी सीन होने लग गया है, तुम्हें पता ही है इनके बच्चों की कैसी रहती है। चलो छोड़ो इस बात को, आगे अभी टिकट लेते हैं और चलते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट प्लेस था अपना जहाँ पे जाना था वो बंद था, लेकिन अभी सेकंड जा रहे हैं, बहुत अच्छी तमन्ना थी मेरी जाने की लेकिन बंद था, तो अभी सेकंड वाले पे जा रहे हैं। सेकंड वाली जगह बहुत प्यारी होने वाली है, यहाँ का तो जो सरप्राइज है वो कोई ख़राब ही नहीं कर सकता भाई, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। आपने रियल लाइफ में तो देखे होंगे लोगों के साथ कैसे कैसे सीन होते हैं, रेड लाइट पर खड़े होते हैं साइड से निकालते हैं ग्रीन हो जाती है, ठीक है जी। मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं जिस जगह पर जाना होता है भाई, या कुछ खाना होता है किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वो दुकान बंद हो जाती है, या तो फिर भाई आपका जो है फूड ख़त्म हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन तो हमारे साथ भी ब्लॉग में कुछ ऐसा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सेकंड वाली प्लेस जो हमारी वो कहीं नहीं जाएगी, वो स्पेशल है और वो स्पेशल है, बहुत प्यारी है यार वो जगह। चल रहे हैं, वहाँ का जो इन्जॉयमेंट है आपको लाइव करवाऊँगा भाई मैं, बहुत अच्छे वाला। रास्ते भी बहुत खूबसूरत है यहाँ के भाई, आर्मी एरिया है आसपास। कितना किलोमीटर भाई? 3 किलोमीटर लेफ्ट। तो कैसे बंदा पकड़ा गया जादू को लेके जा रहा है, क्या रखे बाहर निकाल जादू को, जादू को बाहर निकाल। हेलो जादू को बाहर निकाल, चला जा यार अंपिल। तो भाई ये जादू को लेके जा रहा है बैग में। तो भाई वो रास्ता स्टार्ट हो गया, देखो पेड़ों का कैसा है, कसौल जैसा सीन लग रहा है, थोड़ा अलग सा व्यू है यहाँ पे, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। ऑफ रोडिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखो ऑफ रोडिंग हो रही है, साइड से निकालूंगा भाई, गंदी नहीं होने दूंगा टेल ज़्यादा भाई। पीछे ना मडगार्ड नहीं है, आपको पता है यार मडगार्ड लगा देंगे तो थोड़ी फीलिंग ख़त्म हो जाती है बाइक की, पीछे से लुक ख़राब हो जाती है। ये देखो डांसिंग कार खड़ी है यहाँ पे, डांसिंग कार भाई, ये तो तगड़ा ही साइड से लेंगे, ये तो कार का नीचे है बाइक का ऊपर है भाई। थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग है, क्या कह रहा है एम ए ये कह रहा तू, क्यों कह रहा तू? अभी आपको व्यू पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, जब रात को निकलेगा ना अब यहाँ से। हाँ जी, तब देखना कितना मजा आएगा ना। अच्छा जी, बहुत मजा आएगा देखना भाई। हम वहाँ पे पुल पे थे, अभी नीचे आ गए हैं और यहाँ का व्यू चेक करो यार, अमेजिंग। सेकंड पॉइंट कहा था ना आपको बहुत प्यारा होने वाला है, आप खुद देखो सेकंड पॉइंट कितना सेक्सी है, बहुत ही प्यारा भाई भाई। लेकिन मेरे हिसाब से हमें उस साइड से जाना चाहिए था। चेक करो यार, चेक करो भाई। घड़ी करी हमने अपनी बाइक और मैं पूरा लोड हूँ, साथ में सामान है पूरा लोड हूँ मैं, ये अपनी बाइक, दोनों बाइक यहाँ खड़ी करी और अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं भाई। थोड़ी सी
ऑफ रोडिंग व्यू देखो यार, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। अब मैं वहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ भाई, उधर से चलते हैं, निकल जाएगी वहाँ से, देखता हूँ एक बार। तो गाइज थोड़ा सा रिस्क और टास्क दोनों ही है, मेरे को बाइक वहाँ लेके जानी है भाई, मेरे को यहाँ नहीं खड़ी करनी। खड़ी करने का रीज़न ये है कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है वहाँ पे। हैं यहाँ से यहाँ से जय श्री महा, थैंक यू भाजी भाई, निकाल ली, थोड़ी ऑफ रोडिंग हो रही है, मज़ा भी आ रही है। हाँ भाई एक टास्क था, खुद से आंखें कैसे मिलाते हैं अगर यहाँ तक ना लाते। चलो यार हो गया, इसको थोड़ा खड़ा करते हैं फिर निहारेंगे इसको। भाई बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गाइस हिम्मत देख रहे हो यार, भोले बाबा के प्रति कितनी हिम्मत है लोगों की, देखो यार कितनी हिम्मत कर रहे हैं लोग अभी से ही, मतलब सैल्यूट है यार इनको, गवर्नमेंट को भाई इनको पूरी सिक्योरिटी पूरा सर्विस देना चाहिए यार। देखो यार भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, देखो यार कितनी मेहनत कर रहे हैं यार, देख रहे हो पसीने कितने आ रहे हैं यार इनको। बोले बोले जय बाबा की।